जो है अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें कहा है, हमने तो उस समय भी विधानसभा में ये कहा था कि उस समय भी पूर्व में डीजीपी का जो बयान था वो हमने वहाँ का पढ़ के भी सुना दिया था विधानसभा में, और ये भी विपक्ष को कहा था कि अगर कोई इसके अलावा भी बात होगी तो सरकार जो है इसको टॉलरेट नहीं करेगी, चाहे यहाँ की सरकार हो या वहाँ की सरकार हो। तो जो बातें उठी थी तो हमने बोला भी था कि कोई डिटेल होगा तो आप उपलब्ध करा दीजिएगा, विजय चौधरी जी ने भी कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको देखते हुए टीम भेज भी दिया है। तो हम लोग तो इस मामले को अगर कोई बात है इस तरह की तो हम लोग, क्योंकि दो चार न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं, कुछ मजदूरों का जो बयान है वो देख रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन के बाहर जो बातें आ रही हैं, तो इसमें सरकार गंभीर है तभी तो टीम भेजा गया है। दूसरी बात, एक अखबार है उसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जो है बयान जो है वो छपा है, उनका बयान जो है वो छपा है। तो उसमें ये कहा गया है उस बयान में कि जो बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को फ़ोन किया और वो प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई और ये बात जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बताई गई है। हालांकि फिर भी कौन क्या बोलता है नहीं बोलता इससे हम लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई को पता करते हुए जो है हम सभी लोग जो है हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम को भेजा है, जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो अग्रसर जो है कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हम लोगों के सरकार के बात करने का ये फल निकला कि जो भी मजदूर अगर वहाँ सहमे हुए हैं या डरे हुए हैं तो दो जिलों का जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने 5-6 नंबर जो है वो उपलब्ध करा रखे हैं, कोई भी अगर कोई फंसा है कहीं तो इमिडिएटली जो है उस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है अपनी बात को रख सकता है। तो सरकार वहाँ की जो है करवाई, बिहार के लोग वापस जा सकते हैं तमिलनाडु अभी तो वापस क्या वो जा सकते हैं? नहीं नहीं क्यों नहीं, एकदम जाना चाहिए। और हम तो कहेंगे देश में कोई भी कहीं भी आ सकता है जा सकता है। अब यही हम सवाल उल्टा हम फेर के पूछे कि तमिलनाडु के लोग अगर यहाँ आना चाहे, देखो तो कोई एक अगर गलती करेगा तो पूरा राज्य दोषी कैसे हो सकता है? अगर बिहार में कोई एक आदमी अगर कोई गलती करेगा तो बिहार दोषी नहीं ना होगा? तो देखिए ये मुल्क हम सबका मुल्क है, ये देश हम सबों का देश है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमारे यहाँ भी आ सकता है, यही तो खूबसूरती है। लेकिन अगर कोई नोटोरियस अगर तमिलनाडु में अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो हम लोग तो बार बार कहेंगे कि उस पर कठोर कार्रवाई वहाँ की सरकार को करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये दो राज्यों का मामला है तो इसमें भाई भारत सरकार का क्या काम कर रहे हैं लोग, भारत सरकार कहाँ कंसर्न आपको दिखे इस पूरे मामले में? भारत सरकार की भूमिका बनती है कि नहीं बनती है? जब दो राज्य में अगर कोई विवाद अगर कोई उत्पन्न हो रहा है, हुआ नहीं हुआ लेकिन बातें चल रही हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तो स्टेप उठाना चाहिए ना। हम लोग तो टीम भेज रहे हैं, सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन इस तरह का देखिए हम बार बार कहेंगे कोई भी कहीं भी इस देश में रह करके अगर घृणा फैलाने का काम करेगा, समाज को बांटने का प्रयास करेगा, तो इनसे हमको सावधान देखिए। हमने पहले बोला कि तमिलनाडु पुलिस का मानना ये है कि वहाँ ऐसी घटना नहीं हुई, हम अपने तरफ से नहीं कह रहे, हमने जो विधानसभा में भी कहा वो यही बात कही कि जो डीजीपी का जो बयान है वो हम नहीं मानते। बीजेपी और कई ऐसे वीडियो जो हम लोगों के समक्ष आए हैं हमने भी देखी है, इसलिए हम लोगों ने टीम भेजा है। तो हम लोगों ने टीम भेजा है कि भाई सच क्या है इसकी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें, और अगर केस हुआ है कोई मुकदमा अगर FIR हुआ है ट्विटर अकाउंट पर तो बीजेपी को उसका जवाब देना चाहिए। तो इसमें
अगर सच्चाई है तो उसमें कोई दिक्कत वाली तो बात विपक्ष है क्या जिस तरीके